हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब बीवीज के एक और वीडियो में। और आज हमारे पास में है फोटोन LI जो कि हीरो की एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको हीरो NXY के बारे में आपको बताया था, उसमें जो प्रॉब्लम थी वही सेम प्रॉब्लम इस गाड़ी में भी आ रही है और ये हमारे पास में अभी आई है। प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, सब कुछ ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी चालू है अभी और पावर भी ऑन है, लेकिन हम अभी जैसे इसको एक्सीलेटर देते हैं वैसे ये काम नहीं कर रही है। लेकिन जब हम हल्का सा इसको घुमा देते हैं पहिए को, ये देखिए इसके थ्रॉटल में भी इशू है, इसको अंदर कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। ये देखिए अभी बंद है और जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं वैसे ये गाड़ी, ये देखिए कुछ इस तरीके से आवाज़ करती है ये। कुल मिला के हम लोग आज की इस वीडियो में इसको, इसके जो हॉल सेंसर और जो फेस की वायरिंग है वो सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसका जो बूट है वो हम खोलेंगे और बूट खोलने के लिए यहाँ पर ये दो नट, ये दो, और ये सिस्टम अलग करना पड़ेगा। ये लिथियम आयन का कैबिन है, काफ़ी बड़ा बूट है ये। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसका एक तीनों की फेस लाइन का जो एक जंक्शन था उसका वायर काफ़ी बुरी तरीके से चिपक चुका है और यहाँ से बिल्कुल अलग हो गया है। और ये भी देख सकते हैं आप, ये अच्छा हुआ ये चिपका नहीं, नहीं तो इसका कंट्रोलर भी शॉर्ट हो सकता था। अब हमें कुल मिला के करना ये है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसकी वायरिंग करनी है और उसके बाद मेरे हिसाब से ये जो इसकी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इन वायरों को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके इनको अलग कर लेते हैं और इसकी वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों इसकी वायरिंग को सिस्टमेटिक करने के लिए जहाँ जहाँ तक ये वायर जले हुए हैं वहाँ तक हम इसको फ़िलहाल ये करेंगे कि कट कर देते हैं थोड़ी दूर से और उसके बाद में इसमें प्रॉपर लक्स लगा के इसको फिक्स करेंगे। अब ये जो पैरेलल कनेक्टर है ये भी थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, पीछे से भी ख़राब हो चुका है, तो जहाँ तक है हमें ये कनेक्टर भी बदलना पड़ेगा। और तो देखते हैं, और भी इसमें कई सारे लूज़ काम इसके जो ओनर है शायद उन्होंने पहले से ही करके रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये वायर, चार्जर का वायर सही तरीके से सोल्डरिंग नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हीरो की गाड़ियों में ये सारी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जो आती ही रहती है, क्योंकि इससे पहले वाली गाड़ी में भी हमने देखा था कि उसमें भी यही प्रॉब्लम थी। तो ये अंडर गेज वायर यूज़ करने से इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए कंपनियों का जो फ्रॉड है वो समझ में आता है। एक्चुअल वायर ये जो है ये 4 स्क्वायर mm का वायर है, हार्डली ये 2.5 का होगा मेरे हिसाब से, और इसके ऊपर उन्होंने स्लीव चढ़ा के वायर को थोड़ा सा मोटा करने की कोशिश की थी और यही कारण होता है कि जो चीज़ें हैं वो समय से पहले ख़राब हो जाती हैं। इन तीनों में हमने, इन तीनों जो ये जो तीनों लाइन है इसमें हमने ये जो स्लीव है इसको फंसा दिया है और यहाँ पर जो मोटर की वायर है, मोटर के वायर को भी हमने जिस जो ख़राब था उसमें हमने एक स्लीव लगा दी है ताकि आसानी से लग जाए वो, क्योंकि मोटर के वायर को हम ज़्यादा काट नहीं सकते थे इसलिए जो ठीक थी उनको रहने दिया है, बाकी जो ख़राब थी उसी को हमने
तो भाई साहब इनके कनेक्शन के लिए हमारे पास में ये 4 लाइन वाला एक पैरेलल कनेक्टर है, जिनमें से हम इन 3 लाइनों का यूज़ करेंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने अपना जो पैरेलल कनेक्टर है उसको मेन फेस की लाइन के साथ में जोड़ दिया है। अब आइए एक बार इसको चेक करके देखें, ऑन करके देखें कि अब जो गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अभी भी है या ख़त्म हो गई है। अगर अभी भी प्रॉब्लम हमें लगती है तो फिर हमें इसके हॉल सेंसर के कनेक्टर को भी एक बार चेक करना पड़ेगा। तो गाइस जहाँ तक ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से रेक्टिफाई हो गई है, क्योंकि अब हम जैसे एक्सेलेरेटर दे रहे हैं वैसे मोटर जो है बिना किसी हर्डल्स के या प्रॉब्लम के ऑन हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो पहले आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ आना भी बंद हो गई है हमिंग की। तो अब आइए इसको पैक कर देते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस हमने गाड़ी को पैक कर दिया है, अब आइए एक बार बैठ के इसको चला के भी देख लेते हैं कि कहीं इसमें वैसी प्रॉब्लम दोबारा से तो नहीं आ रही है। प्रॉब्लम मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, हो सकता है आपके पास भी ये इस टाइप की अगर गाड़ी हो, और हाई स्पीड गाड़ियों में क्योंकि करंट ड्रॉ बहुत ज़्यादा तेज़ होता है इसलिए इसके जो कनेक्टर हैं वो यूजुअली जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो उसमें भी यही रहता है कि गाड़ी की जो मोटर है वो आवाज़ करने लगती है, और दूसरी चीज़ ये है कि पिकअप जो है कम हो जाता है और गाड़ी को हल्का सा धक्का मारने पर वो चालू होती है। अभी अपन इसमें देख लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। हम लोग देख सकते हैं कि बिना आवाज़ के ये चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो आपके पास में तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब ईवीज। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.